भाई आप लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि बिलाल भाई नए मोबाइल फोन नहीं आ रहे तो भाई नए मोबाइल फोन आ गए हैं वैसे मैं एक बात बताऊं आप लोग मुझे कंप्लेन करो या करो मोबाइल फोन मैंने खुद नहीं बनाने होते हैं तो भाई लेके आ जाता है लाइक उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है लेकिन फाइनली भाई हमारे पास काफी ज्यादा नए मोबाइल फोन जो है वो आने शुरू हो गए हैं और मजेदार बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे मोबाइल फोन है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं जिसका मतलब ये है कि जब तक ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होंगे उससे काफी पहले मैं आप लोगों को इनकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूँ और आज जो मोबाइल फोन मेरे पास मौजूद है ये भी एक ऐसा हैंडसेट है जिसके बारे में हमें इस चीज की हंड्रेड परसेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा और ये अभी यूएई की मार्केट में ऑफिशियल होने जा रहा है बाय द टाइम ये वीडियो आप लोग देखेंगे ये यूएई की मार्केट में आपको थर्टीन नाइनटी नाइन धर्म्स का जो है वो ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा यानी कि चौदह सौ धर्मस का जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो आ रहा है और अगर आप नून की प्राइसिंग की बात करते हैं तो ग्यारह सौ निन्यानवे के अंदर आपको बेसिकली यहाँ पर बारह जी बी वाला जो वर्जन है वो देखने को मिल जाएगा जो कि इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि यहाँ पर जो वर्जन हम चेकआउट कर रहे हैं वो आठ जी बी वाला है और ये जो मोबाइल फोन है ये है रियल मी का टेन प्रो प्लस अब रियल मी नाइन प्रो प्लस फाइव जी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था और उस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो यही थी कि वो अपनी कैटेगरी के अंदर उन कुछ मोबाइल फोन में से था जो कि फ्लैगशिप ग्रेड के, के स्पेक्स भी प्रोवाइड कर रहा था और प्राइस टैग में भी काफी हद तक अच्छा आ रहा था ये मोबाइल फोन भी उसी कंज्यूमर को टारगेट कर रहा है ऑल इसके अंदर एक ऐसी अपग्रेड की गई है जो कि मैं कह सकता हूं कि इसको डायरेक्टली फ्लैगशिप लेवल का बना देती है और वो अपग्रेड मैं आपको दिखाने वाला हूं आप देख सकते हो बॉक्स जो है वो यहां पर काफी हद तक वैसा ही है जैसा रियलमी के दूसरे बॉक्स होते हैं टेन प्रो प्लस मेंशन किया गया है फाइव को मेंशन किया गया है क्योंकि इसके अंदर जो चिपसेट है वो फाइव चिपसेट लगाया गया है और बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर इसके कुछ मेन हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है और पहली हाईलाइट ही अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर वन ट्वेंटी हर्ट करजन डिस्प्ले लिखा गया है बेसिकली इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एक ओलेट पैनल देखने को मिलता है जो कि कर्व पैनल है यानी कि दोनों साइडों पर कर्व्ड है और इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है तो यहाँ पर आपको एक

है और बैटरी लगाई गई है 5000 एमएएच की जो कि अगेन पिछली जनरेशन से 500 एमएएच ज्यादा है 8GB रैम है 256GB की इंटरनल स्टोरेज है लेकिन इसका 12GB रैम वाला वर्जन भी जो है वो आता है आई एम अज्यूमिंग कि ज्यादातर लोग आ, यही 8GB वाला वर्जन जो है वो ले रहे होंगे क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आठ जीबी से ज्यादा की जरूरत पड़े बट इसका बारह जीबी वाला वर्जन भी आता है इफ़ यू टू इट आउट पेपर वर्क देखने को मिल जाता है सिम पेन आपको देखने को मिल रही है आपको ये नए टाइप का जो रियलमी का केस है वो देखने को मिल रहा है मुझे नहीं पता कि ये वीडियोस आप किस सीक्वेंस में देख रहे होंगे लेकिन मैंने पहले रियलमी 10 की अनबॉक्सिंग की और उसके बाद मैं रियलमी 10 प्रो प्लस फाइव की कर रहा हूँ हो सकता है कि ये वीडियो पहले लग जाए और वो बाद में लगे और रियलमी ने इस बार जितने भी अपने फोन केसेज हैं ना उनकी शक्ल को चेंज किया तो एम एज्यूमिंग के क्योंकि नई जनरेशन है नंबर सीरीज है तो ये छोटी छोटी जो डिटेल्स है उनको चेंज कर रहे हैं खैर फोन जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और इसका जो कलर है वो है नेबुला ब्लू मैं इसका ये जो आ, स्टिकर सा है इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी जो लुक है वो बेहतर तरीके से दिखा सकूँ और ये अगेन वही Realme 10 सीरीज के सिग्नेचर डिजाइन में आ रहा है जहां पर आपको दो कैमरा सेटअप देखने को मिल रहे हैं जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये दो नहीं बल्कि तीन तीन कैमरास हैं यहाँ पर नीचे वाली साइड पर दो सेंसर लगाए गए हैं उसके अलावा ये जो बैक है नेबुला ब्लू वाली आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत लुक और शीन जो है वो प्रोवाइड करती है ऑल दो मैं यहाँ पर यह चीज इंक्लूड करना चाहूंगा Uh, कि इसकी लुक और फील मुकम्मल तौर पर ग्लास है लेकिन एक्चुअल में ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है और दोनों साइडों पे कर्व होने की वजह से हैंड फील भी इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी अच्छी है फ़ोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं सेटअप में इसको ऑलरेडी कर चुका हूँ और हम बॉक्स के अंदर भाई नज़र जो है ना वो मार लेंगे ओके यहाँ पर आपको जो चार्जिंग केबल देखने को मिल रही है वो टाइप ए टू टाइप सी वाली है क्योंकि रियल अपने स्टैंडर्ड को यूज़ कर रही है जो कि सुपर वूक है और यहाँ पर जो चार्जर मिल रहा है भाई

आ, काफी सॉलिड फील जो है वो प्रोवाइड करती है लेकिन बैक प्लास्टिक की दी है इसके अलावा सिम पिन के थ्रू सिम सिचुएशन भी देख लेते हैं ऑल दो यहाँ पर बिल्टन स्टोरेज जो है वो दो सौ छप्पन जी बी की है तो हमें ज्यूमिंग के मेमरी कार्ड नहीं होगा और ऐसा ही है भाई यहाँ पर दो सिम्स की ऑप्शन ज़रूर दी गई है लेकिन मेमरी कार्ड की ऑप्शन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल नहीं है आ, इसके अलावा भाई अगर आप बात करते हैं इंटरनल्स की तो मीडिया टेक डायमेंसिटी नाइन ट्वेंटी का चिपसेट इसके अंदर लगाया गया है जिसकी वजह से ओवरऑल चीज़ों की जो स्मूदनेस है उसका काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है एक और एरिया जो कि मैं कहूँगा इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगा है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के साथ साथ इसकी हैप्टिक मोटर के अंदर भी अपग्रेड किया गया है यानी कि जो मोबाइल फोन वाइब्रेशन क्रिएट करता है वो बहुत एक्यूरेट है और ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आप जब ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रहे हैं वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हैं तब आपकी जो मोटर है वो आपको ऐसा फील प्रोवाइड करती है कि आप एक्चुअल में कोई नॉब जो है वो घुमा रहे हैं जिसकी वजह से मोबाइल फोन की जो फीलिंग है ना वो बहुत बेहतर आ रही है इन टू टू बेंच मार्क हमने इसके ऊपर रन किया है डायमेंसिटी का जो टिपिकल स्कोर होता है वो तकरीबन पांच लाख से थोड़ा सा नीचे होता है आजकल सर्दियां चल रही हैं तो भाई पांच लाख नौ हज़ार के करीब आ गया है आ, क्योंकि टेम्परेचर ओवरऑल वैसे ही है लाहौर का तो इस टाइम दस डिग्री के करीब चल रहा है बट या पांच लाख नौ हजार के करीब का जो स्कोर है वो हमें एन टू टू बेंच मार्क के ऊपर देखने को मिला है पबजी की परफॉर्मेंस अगर आप इस मोबाइल फोन की डिस्कस करते हैं तो भाई पबजी की परफॉर्मेंस ने हमें सीरियसली सरप्राइज किया है क्योंकि पबजी की जो इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है इसके कॉम्पिटिशन से और इवन किसी भी ऐसे मोबाइल फोन से जो कि इस प्राइस रेंज में हमें देखने को मिलता है उसकी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन पबजी के ऊपर आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड करता है अगर आप स्मूथ सेटिंग के ऊपर करते हैं और अगर आप

तो ये चीज कर सकता है और भाई वो आपको यहां पर देखने को भी मिल जाता है कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है नाम ज्यूमिंग उसकी क्वालिटी इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट मिलती है अगर आप उसे कंपेयर करते हैं इसके मेन 108 मेगापिक्सल वाले कैमरा से कैमरा इस मोबाइल फोन के वैसे हमने टेस्ट आउट भी किए हैं फ्रंट कैमरा सोलह मेगा का है और बहुत क्रिस्टल क्लियर किस्म के जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड करता है और बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो जो मेन एक सौ का कैमरा है उसकी क्वालिटी हमें बहुत ज्यादा पसंद आई है ऑल दो यहां पर आपको 108 मेगापिक्सल की अपग्रेड देखने को मिलती है लेकिन 9 प्रो प्लस के अंदर आपको ऑप्टिकल इमस्टेबिलाईन देखने को मिल रही थी जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर मिसिंग है तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी बेहतर हो गई है लेकिन अगर आप वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को यहां से निकाल दिया गया है ऑल दो इसके अंदर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है जिसकी वजह से अगर आप स्टेबल वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन जरूर अवेलेबल है बट वो ऑप्टिकली स्टेबलाइज नहीं होंगी यहां पर जो जीरो का कैमरा है ये आपको सिर्फ आठ मेगा का देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाएगा दैट भाई नाइट मोड भी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि फ्रंट और बैक दोनों पर काम करता है स्ट्रीट मोड भी यहां

तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी मार्केट में इसको खरीद रहे हैं बट मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मार्केट में भी इसको डायमेंसटी नाइन ट्वेंटी के नाम से ही कहा जाएगा क्योंकि ये सिर्फ रीब्रांडिंग है और थोड़े से ओवर क्लॉक का फर्क है बाकी ज़्यादा डिफरेंसेस इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद नहीं है फाइनली बिफोर एंडिंग दिस वीडियो में ये बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि भाई इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जो स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है वो डेलो स्पीकर सिस्टम है यानी कि यहाँ पर स्टेरियो स्पीकर आपको देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से इसकी जो स्पीकर की क्वालिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है और अगर आप मुझे कहते हैं कि भाई इसको एक फ्लैगशिप से कंपेयर करके बताओ कि इस मोबाइल फ़ोन में क्या है तो मैं यही कहूँगा कि दो एरियाज़ मुझे कम लगे हैं नंबर वन इसकी जो बैक है वो प्लास्टिक की है अगर वो ग्लास होती तो ये फ्लैगशिप ग्रेड का होता और नंबर टू इसका जो प्रोसेसर है वो अपर मिड रेंज का है अगर वो बिल्कुल फ्लैगशिप का होता तो वो फ़्लैगशिप है बट अदर देन दैट हर चीज़ इसकी मुझे फ्लैगशिप ग्रेड की लगी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह चेकआउट करना चाहते हैं चैनल या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि भाई मोबाइल जो है ना वो अब आ रहे हैं और आते जाएंगे होपफुली एक दो तीन मोबाइल फ़ोन अभी रिसेंटली आए हैं तो दोबारा जो चीज़ें हैं ना वो चलनी स्टार्ट हो जाएंगी अपना ख्याल रखिएगा किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज बिलिंग ऑफ अल्लाह